अभी कुछ दिन पहले पुलिस और पारधी समुदाय के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया था, जिसमें एक पुलिस आरक्षक गोली लगने से घायल हो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम बिना किसी सूचना के स्थानीय थाना या चौकी या जिला अधीक्षक को सूचना किए बगैर पुलिस की 8 सदस्यीय टीम पारधी समुदाय के बीच अपराधियों की धरपकड़ के लिए ग्राम कनेरा चक पहुंची थी, जिसमें पुलिस और पारधी समुदाय के बीच गोलीबारी जैसा मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने करीब 40 राउंड फायर होना बताया था। पुलिस अब संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पारधी समुदाय की महिला एवं बच्चों को टारगेट बना रही है। वहीं पुलिस महिला एवं बच्चों पर इस तरह से सितम ढा दिया है कि उनके घर में जाकर पुलिस ने तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही खाने पीने के सामान को भी बाहर फेंक दिया है। वहीं गैस के सिलेंडर भी पुलिस अपने साथ ले जा रही है। पीने के पानी तक उन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी ट्यूबवेल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, साथ ही उनकी पाइपलाइन को काट दिया है। पुलिस की बर्बरता के शिकार महिला एवं बच्चे अपने आप को पुलिस के अमानवीय चेहरे से इतने दहशत में हैं कि वो बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पारधी समुदाय की महिला एवं बच्चों का आरोप है कि पुलिस उनके साथ मारपीट करती है, घर के खाने पीने का सामान भी फेंक देती है, साथ ही उठाकर भी ले जाती है। पुलिस का किस प्रकार का चेहरा और किस तरह की कार्रवाई है जो महिलाओं एवं बच्चों के साथ मारपीट कर रही है। वहीं बच्चों ने अपने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है, साथ ही महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खेतों में भटक रही हैं। क्या पुलिस ऐसी ही कार्रवाई कर रही है या पुलिस का यही चेहरा है? क्या पुलिस की पकड़ में अपराधी जब बाहर हो जाता है तो महिलाओं एवं बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करती है? क्या महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय उन पर बर्बरता की जाती है? तो ये कैसे क्या हो गया? कुल्हाड़ी से काट के भी अंदर डाला। कुल्हाड़ी से किसने काटा? पुलिस ने। किसने? सरकार ट्यूबवेल। हमारे बच्चों का अनाज सब मिट्टी में मिला के गए। देख इधर देख रहे, तेल लाए और डिब्बे पूरे पूरे डिब्बे फेंक दिए। ऐसे करके तमाचा कर दिया हमारे घर का हाल भी ना। सब मतलब सब हमारे सामान को 10,000 का तो सामान खाने पीने का सब मिट्टी में मिला दिया। हमारे बच्चों के कपड़े जला दिया, बिस्तर जला दिया, कंबल जला दिया, सब कर दिया। कुल्हाड़ी से पूरी काटी। अरे पंखा भी तोड़ दिया, तो सब इतना सो भी नहीं रहे। ऐसे पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं। नहीं करते हैं ना, मेरे को जबरदस्ती है, मेरे को जबरदस्ती हमारे घर के गांव वाले ने ये करो ना मेरे गांव को। नहीं पंखा ऊपर हमारे गांव को बिगाड़ दे रहे हैं। इधर देखो खिड़की का भर लो। सोजन आ रही है, देख ये सोजन आ रही है। ऐटा दिखा, हां भी मारी जे का, हां फुंद भी दिखा, ऊपर हाथ मेल पूरा ने ने रोया। हां खाली बाबू दिखाई दिखा, हेड तू भी आ कन बैठे रे। नहीं ये कह रहे के मैं दिखाऊं कैसा है? बोरिंग क्या था वो? अच्छा आपको किस चीज से मारा था? बंदूक बंदूक के कोने से मारा?
शरीर में और भी जगह चोट लगी है। दूसरी जगह लगी है, बोल आगे लगकर कह दी दो। बताइए क्या हुआ था? पुलिस आती है आदमी की जगह लेडीज को मारती है, जो खाने पीने का सामान रहता है वो फोड़ देती है, और सीमेंट में मिला दिया शक्कर तेल, बच्चे को मारती है, भूखे मर रहे बाल बच्चे। कल आके लेडीज पे गोली चलाई उसने। तुम्हारे को लड़ना मारना है आदमी को लड़ो, बैरन को क्यों करते, बच्चे को क्यों करते हो सब परेशान? जितनी भी लड़ाई है तुम्हारी उनसे लड़ो। तुमको गलत हरकत करते हैं, कहाँ छाती पे हाथ मारते हैं, कंगाल पे मारते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, ऐसी पुलिस रहती है क्या? पुलिस तो गरीब की सुरक्षा करती है, ऐसी हरकत थोड़ी करती है। अपन किसकी इज्जत से खेलो ना? हमारे को पुलिस घर में रुकने नहीं दे रही है। पुलिस आती है बच्चे को और औरता को भगा भगा के मारती है, खाना पीना जो भी रहता है मार फेंक देते हैं। बच्चे को तीन तीन दिन हो गए रोटी नहीं खा रहे। की टूटी थी सरकार ने लगवाई, वो काट के मोटर अंदर गिरा दी। जो सरकार ने दिया था गैस सिलेंडर, वो भी बिन चुन के ले गए, चूल्हे फोड़ गए, टंकी ले गए। जो ये बाथरूम बनाई थी सरकार ने, वो बाथरूम भी तोड़ ताड़ के फेंक दी। टंकी ले गए। महिला थोड़ी अपराधी करती है, महिला तो बैठती अपने घर की सुरक्षा करती है। आदमी से लड़ो, आदमी से बात करो, औरता को क्यों ऐसी लेडी लुची करते हो? तो उसके घर में है लेडीज, ऐसी हम भी लेडीज है। झागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार।